अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज की मेरी रेसिपी है क्लब सैंडविच। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है, चिकन मैंने उबालने के लिए रख दिया है, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ और जब तक ये उबलेगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चिकन गल चुकी है, अब मैं आपको इसके पीसेस करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको काटूँगी, इसके अंदर जाएगा मायो, ठीक है, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, ये मिक्स कर। इसमें हम अंडा फ्राई करेंगे और अंडे के लिए हमें मक्खन चाहिए, ठीक है। ये मैंने मक्खन ले लिया थोड़ा सा और इसमें अंडा डाल देंगे मैं, ठीक है। अंडा डाल के इसको ऐसे चला लेना, तैयार हो जाए। अंडा हम इसमें निकाल रहे हैं, ठीक है, ये अंडा निकाल लिया। और देखें इसके अंदर सलाद पत्ता है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और खीरे के छोटे छोटे पीसीज हैं, गाजर है, और मायोनीज डाल के और इसके ऊपर काली मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम हल्का सा नमक भी स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। सलाद पत्ता मैं एक साइड पर कर देती हूँ, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सैंडविच ब्रेड लेके हमने इसको हल्का हल्का सा मामूली सा इसके अंदर सेकना है, ठीक। अब हम इस पे लगाएंगे केचप, ठीक है, चारों तरफ इन सब के ऊपर केचप डाल दिया, ठीक है। अब केचप हमने रख दिया है, ठीक है, और इसको स्प्रेड कर देते हैं जिस तरीके से जो जैसा दिल चाहे आपका। अब हमने इसके ऊपर ये रखा, ठीक है, अच्छे तरीके से रखना है हमें, ये चारों तरफ रख दिया। ये इसके ऊपर आया, ठीक। अब इसके ऊपर हमने चिकन लिया सारा, ये सब चिकन, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करें, ये सारा साइड से तो हम काट ही देंगे सब, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अंडा डाला, अंडा डाल दिया, अंडे को भी सारा स्प्रेड कर दें अच्छे तरीके से। और फिर हमने इसके ऊपर फिर ये रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो भी चीज़ हमारे पास है ये बची हुई, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे, हम ये भी लगा देंगे। इसके ऊपर जाएगा हमारे पास सलाद पत्ता, ठीक है, ये चला गया हमारे पास सलाद पत्ता। जैसे चाहते हैं आप वैसे रखें, जो दिल चाहता है आप उसको वैसे करें। फिर इसके ऊपर जाएगी हमारी चीज़, ठीक है, और मैं इसके ऊपर चीज़ निकाल। अच्छा, मेरी चीज़ ज़रूर टूटती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता, मेरी चीज़ ज़रूर टूटती है जब भी मैं लगाती हूँ तो। ये ज़रूर या तो वो मैं पहले से निकाल के रख देती हूँ फ्रिज डिफ्रीज़र से, तो इसलिए जो है वो टूटती ज़रूर है, ठीक है। और सारी निकाल के सारी लगा दी हमने, ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये भी लगा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसको काट लेते हैं। और आपको बताना भूल गई कि रात के 2 बज रहे हैं और मेरा इस वक्त में कुछ खाने का मूड था, और क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऑर्डर करेंगे, आजकल डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि कुछ भी दिल नहीं करता कि कोई चीज़ ऑर्डर करें। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा सोचा कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी, और ये मैं बड़ी छुरी निकाल चुकी हूँ क्योंकि वो छोटी नाइफ है, उससे जो है ना कट नहीं रहा था, तो मैंने अभी बड़ी नाइफ़ निकाल ली है और हमने इसको चारों तरफ से कट कर देना है, ठीक है। और कट करने के बाद ये हमारे
और मैं अपने अभी हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी, वो चाय पियेंगे और ज़बरदस्ती उनको थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा क्योंकि मैं बगैर उनके कोई चीज़ नहीं खाती। और ये हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया। मैंने आपको सिर्फ एक ही बताना था क्योंकि जाहिर सी बात है हम दो अफराद हैं, तो फिर हमने एक ही खाना था। और मेरी नाइफ बहुत ख़राब हो रही है इसलिए जो है ये मेरे काट, ये देखें कितने ज़बरदस्त से सैंडविच बनके तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सी यू अगैन।